रात को हमारे पास खबर आई थी कि इस गांव में दो मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं। उसके बाद पुलिस और ज्वाइंट फोर्सेस आर्मी और सीआरपी ने मिलकर इस एरिया का कॉर्डन किया और एक सस्पेक्टेड घर को जब हम सर्च कर रहे थे तो अंदर से हमारी पार्टियों पे फायर आया। फायर आने के बाद हमने थोड़ा होल्ड किया यहाँ से और उसके बाद हमने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिए और बहुत एफर्ट्स किए कि ये मिलिटेंट जो है सरेंडर करें ताकि इनकी जान बचे, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद वो नहीं माने और उन्होंने वहां से हमारी पार्टियों पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में दो मिलिटेंट मारे गए हैं, दोनों की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। दोनों से हमें एक AK-47 राइफल और एक इंसास राइफल मिली है और कुछ मैगजीन्स और बाकी गोला बारूद मिला है। अभी किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इनका एफिलिएशन है वो नहीं मालूम है और ये हैं कौन लोग, ये पाकिस्तानी है, लोकल है, क्या है, ये भी अभी तक हमें मालूम नहीं है। सर कोई इंजरी वगैरह यहाँ से कोई कुछ माइनर इंजरीज है सिक्योरिटी फोर्सेज को तो कोई मेजर ऐसा कुछ नहीं। सर घर को सैनिटाइज कर दिया गया कि अभी? घर को अभी सैनिटाइज करने की जरूरत है और हमने कुछ कुछ सैनिटाइज किया, हमने वहाँ पे बैनर्स लगाए हैं जिसमें हमने लोगों से अपील की। मैं आपके मीडिया के थ्रू भी उनको बताना चाहूंगा कि वो इस मलबे के नजदीक ना जाएं। अभी भी वहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने निकाली, डिफ्यूज भी की, बट अभी भी बहुत सारा वहाँ पे गोला बारूद जो है वो मौजूद होगा जो अभी फटा नहीं होगा, जो अभी क्लियर नहीं हो पाया होगा क्योंकि अंधेरा भी अब हो गया है। तो लोगों से यही दरखास्त है कि वो मलबा वैसे नहीं है क्योंकि घर जो हमने कोशिश की घर को बचाने की, इसी वजह से बहुत टाइम लगा। आरो खबरेर अपडेट पेते सब्सक्राइब करुन आमादेर यूट्यूब चैनल टी और बेल आइकने क्लिक करुन नोटिफिकेशन्स पेते।